आज हम देखेंगे ये बहुत ही सुंदर ट्यूनिक टॉप जो बहुत ही स्टाइलिश है और ट्रेंडिंग भी है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है, 1 से 1.5 मीटर कपड़े में बड़े ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई 40 इंच है तो आपको 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ पर मेरे कपड़े की चौड़ाई 60 इंच है, इसलिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। यहाँ पर मैंने नाप लिख दिए है, इसी के अनुसार हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 30 इंच है इसकी ब्रॉडनेस, मतलब ये डबल है तो पूरा ये 60 इंच चौड़ाई है और लगभग ये मेरा 1 मीटर कपड़ा है। अब हम कपड़े को फोल्ड करके लेंगे। तो मेरा हिप साइज है वो 38 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 9.5 इंच। 9.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 11.5 इंच पर हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड किया। हिप की लंबाई मैं 22 इंच पर डालती हूँ। आप चाहो तो 22 इंच पर भी नाप डाल सकते हो या फिर 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है। तो 26 इंच पर मैंने टॉप की लंबाई रखी है। अब शोल्डर हम जितना नॉर्मल कुर्ते में डालते हैं उतना ही मैंने लिया है, 7.5 इंच। और आर्म होल में लेती हूँ 7.25 इंच पर। आप अपने साइज अनुसार आर्म होल का नाप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर चेस्ट है मेरी 34 इंच, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच। उसमें हम 0.25 इंच लूजिंग एक्स्ट्रा देंगे और 9.25 इंच पर मैंने मार्क किया। उसके बाहर 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखा। अब डायरेक्ट हम हिप की ओर जाएंगे। हिप है मेरा 38 इंच, चौथा भाग होता है 9.5 इंच। 9.5 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 10.5 इंच पर मार्क किया और उसके बाहर 1 इंच सिलाई मार्जिन रखा। और बस इन लाइनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हम फुल बस्ट का और वेस्ट का नाप नहीं डालेंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब इस लंबाई के लाइन के नीचे 4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और मार्क करेंगे और यहाँ से हम टॉप का शेप देंगे। आप इस तरह से शेप दे सकते हो या फिर थोड़ा सा बाहर से कर्व दे सकते हो। अब हम ये जो सिलाई मार्जिन की लाइन है वो जोड़ देंगे नीचे तरफ। यहाँ पर गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 2.5 इंच या 3 इंच भी आप रख सकते हो। और आगे का गला मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7.5 इंच और यहां से बस हम वी शेप देंगे। अब पीछे का गला मैं ले रही हूँ 1.5 इंच और यहां से हम गोलाई देंगे। उसके बाद 0.5 इंच यानी 0.75 इंच हम शोल्डर स्लोप का मार्क करेंगे और यहां से इस लाइन को गले तक जोड़ देंगे। अब यहां से यहां देखेंगे कितना है, उसका सेंटर करके पॉइंट देना है और यहां से पीछे के आर्म होल का शेप देंगे। अब इसी पॉइंट से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे और आगे के आर्म होल का शेप देंगे। अब आगे का जो आर्म होल है वो मैं 1/2 इंच कम रखती हूँ पीछे के आर्म होल से, इसलिए मैंने ऊपर से 1/2 इंच इस साइड कम किया और गले के साइड से भी 1/2 इंच मैंने कम कर दिया और यहां से मैंने लाइन बना दी। अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो पीछे का जो शेप है, पीछे के पैटर्न का, उसी के अनुसार हम कट करेंगे। तो नीचे से मैंने शुरू कर दिया और यहां से हम सीधा इसका कट लगाएंगे और फिर पीछे का गला, पीछे का शोल्डर की लाइन और पीछे का आर्म होल, उसी लाइन से हमने कट कर दिया। कट करने के बाद अब इसे हम खोल देंगे और जो अंदर का बैक पैटर्न है उसे बाहर निकालेंगे और साइड में रखेंगे। अब इस पैटर्न को फिर से जैसा है वैसा रखेंगे और फ्रंट पैटर्न का जो मार्किंग है, मतलब गले का मार्किंग, शोल्डर लाइन का मार्किंग और आर्म होल का मार्किंग, वहां से हमने कट कर दिया। अब यहां से बीच में से भी हम कट लगाएंगे। अब इसको मैं खोल देती हूँ। यहाँ आगे की तरफ हमने गला ज्वाइन करने के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ये पट्टी बिल्कुल हमने सीधे कपड़े में काटी है। इसे हम यहाँ पर गले के ऊपर जोड़ देंगे। तो देखो, बिल्कुल मैंने इस तरह से रखा और यहां से हमने सीधी सिलाई लगा दी नीचे की तरफ। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक आध प्लेट ले सकते हो। उसके बाद इसे हम पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ रखना है, उसके ऊपर पट्टी को इस तरह से मैंने फोल्ड किया और बस सिंपली उसके ऊपर से मैंने सिलाई लगा दी। यहां पर वी शेप होने के कारण हमारा कोई यहां पर प्लीट नहीं आया। अब इस पट्टी को फिर से एक बार अंदर की तरफ मोड़कर बस यहां पर हम सिलाई कर देंगे और ये गला हमारा हो चुका। इसको सीधी साइड में रखेंगे और जो एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे हम कट कर देंगे।
इसी प्रकार दूसरे साइड का गले का शेप भी हम बना देंगे। तो इसी प्रकार मैंने दूसरी साइड की भी पट्टी बना दी है। अब ये टॉप की राइट साइड है और उसके ऊपर हम ये दो पट्टियां लगाएंगे जिसकी चौड़ाई 2-2 इंच है। इन पट्टियों को हम नीचे की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हम हमारा आगे का पैटर्न रखकर ऊपर से नीचे सिलाई लगा देंगे। सेम दोनों साइड में हमें करना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब पट्टी को हम ऊपर की तरफ लेंगे, मतलब सीधी साइड की ओर रखेंगे। ये टॉप के हमारी राइट साइड है ऊपर की तरफ। अब इस पट्टी को हमें किस तरह से फोल्ड करना है, तो देखो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर इस साइड से एक बार 1/4 इंच मोड़ देंगे और फिर से एक बार मोड़कर यहाँ पर हम ऊपर से नीचे पूरी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं पिन लगा कर लेती हूँ। सेम इसी प्रकार हमें दूसरी साइड की पट्टी भी लगानी है सेम। तो इसे भी मैंने ऊपर से फोल्ड किया और फिर यहाँ से फोल्ड करके एक बार फिर से फोल्ड करके यहाँ पर भी मैं पिन लगा देती हूँ ताकि यहाँ पर सेट हो जाए। और यहाँ पर भी हमें ऊपर से नीचे सिलाई लगानी है, तो दोनों साइड में सेम तरह से पट्टियां जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ऊपर से नीचे सिंपली मैं सिलाई लगा रही हूँ। पहले से हमने इसको सेट कर दिया है, बस यहाँ पर मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूँ और सेम इसी प्रकार हमारी दूसरी साइड की और भी पट्टी लगेगी। तो ये पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम यहां से सिलाई लगाएंगे किनारे से और साइड से भी ताकि इसका फिनिशिंग अच्छा लगे। सेम इसी प्रकार मैंने दूसरे साइड में भी पट्टी जोड़ दी है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो देखो ये फ्रंट पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम लेंगे बैक पैटर्न और यहां पर भी हमने सीधे कपड़े में काटी हुई पट्टी ली है, तो ये 1 इंच चौड़ी है और इसको मैंने एक तरफ से मोड़ दिया है। अब इसको हम यहां से लगाएंगे। लगाते समय ये सीधी कपड़े में कटी हुई पट्टी है, इसलिए हमें यहां पर प्लीट्स लेने हैं। तो छोटे छोटे 3 से 4 प्लीट्स यहां पर आ जाएंगे, उतने हमें लेने हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद अब हम लेंगे फ्रंट पैटर्न और फ्रंट पैटर्न को इस तरह से हमें रखना है पट्टी के नीचे, क्योंकि अभी हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं। इस साइड का भी फ्रंट पैटर्न लिया और इसे भी पट्टी के नीचे रखकर यहां से हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है और देखो जब हम इसको पलटेंगे तो ये शोल्डर पूरी तरह से इसका सिलाई अंदर की तरफ चला जाता है और बहुत अच्छा सा फिनिशिंग आ जाता है। इस साइड में भी सेम वही किया है। देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पट्टी बैठ चुकी है। अब ये जो गले की पट्टी है इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे और ऊपर से यहां से सिलाई लगा देंगे। तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है और ये गला पूरा हमारा अच्छे से फिनिश हो चुका है। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने यहाँ पर फोल्ड करके लिया। लंबाई में 17 इंच रखूंगी यहाँ पर और ऊपर से 3/4 इंच पर कैप हाइट का मार्क किया। और यहाँ से आर्म होल राउंड 15.5 इंच है, उसका आधा होता है 7/8 इंच, तो 7/8 इंच पर मार्क किया। आप अपने साइज के हिसाब से स्लीव्स कटिंग कीजिएगा आगे और पीछे का शेप देकर। अब यहां से यहां जितना भी अंतर है उतना ही अंतर हमें नीचे की ओर रखना है, क्योंकि नीचे की ओर हमारे छोटे छोटे प्लीट्स आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सेम रख दिया और यहां से लाइन बना दी। बाहर की तरफ 1-1 इंच ही सिलाई मार्जिन रखेंगे। जितना सिलाई मार्जिन टॉप में रखा है उतना ही मैंने यहां पर भी रखा और बस इसको मैंने कट कर दिया। अब इसे हम खोलकर जो आगे का शेप है हमारे स्लीव का वो हम कट करेंगे। तो ये वाला शेप हम कट कर देंगे। इस प्रकार हमारे स्लीव का कटिंग हो चुका। अब हम इसे तैयार करके लेंगे। तो 4.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ये 12 इंच है। यहां पर मैंने स्लीव्स को रख दिया है। ये स्लीव की राइट साइड है और यहां से हम एक किनारे से शुरू करेंगे। तो स्लीव में नीचे की तरफ हमें छोटे छोटे प्लेट्स लेने हैं। बस स्लीव में ही प्लेट आने हैं, नीचे की पट्टी सीधी रहेगी। तो इस तरीके से एकदम छोटे छोटे प्लेट्स मैंने लिए हैं 1-1 इंच के डिस्टेंस पर। इस तरह से हमने प्लीट्स लेना है पूरे। और ये देखिए पट्टी भी हमारी हो चुकी। पट्टी को ऊपर की तरफ लेंगे और यहां पर ये 1/2 इंच मोड़कर
उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा स्लीव पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की स्लीव भी मैंने तैयार की है। अब ये स्लीव रेडी हो जाने के बाद इसे सेंटर में फोल्ड करके एक सेंटर नॉच लगाएंगे और ये जो सेंटर नॉच है ये शोल्डर की सिलाई और सेंटर नॉच दोनों मिलाते हुए आगे की तरफ आगे का और पीछे की तरफ पीछे का भाग जोड़ देंगे। दोनों स्लीव्स को मैंने यहाँ पर जोड़ कर लिया है। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से हमने फोल्ड करके लिया और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक इंच का ही मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ा था, तो उतना ही मैंने लेते हुए लाइन बना दी है और दोनों साइड में सेम तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो बस एक इंच ही हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था, उतना ही लेना है और यहाँ से हमने सिलाई को शुरू किया है पूरा नीचे तक। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी सिलाई हम लगा देंगे। दोनों साइड में मैंने फिटिंग कर दी है। अब बॉटम में यानी मोरी में हम बस थोड़ा थोड़ा सा डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बस मैंने यहाँ पर एकदम थोड़ा सा मोड़ा है, उसके बाद फिर से एक बार मोड़ा और फिर हम यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। एकदम थोड़ा सा मोड़ना है हमें, ज्यादा नहीं। इस तरीके से पूरे टॉप की गोलाई में नीचे की तरफ हम सिलाई लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी ये टॉप बन जाता है और पहनने में भी काफी कंफर्टेबल है, दिखने में बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए ये तो हमारा हो चुका। अब कंधे की ओर हम टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ कमर की लंबाई का मार्क करेंगे। जैसा कि हम नॉर्मली लेते हैं 14 इंच, 14.5 इंच, तो वैसे मैंने मार्क किया 14.5 इंच पर। अब सेम मार्क हमें इस साइड में भी करना है, तो यहां पर भी इस तरह से मैं लाइन बना दूंगी। यहां पर हमें इलास्टिक लगाना है कमर में, तो इसलिए हमने कमर का नाप नहीं लिया था। तो ये दो इलास्टिक के टुकड़े मैं यहां पर लगा दूंगी। तो देखिए ये जो मार्क है यहां पर, ये हमारी फिटिंग की सिलाई है, तो इस और ये हमारा 5 इंच पर मार्क आएगा और से ये आगे की तरफ भी हम 5 इंच का मार्क कर देंगे। तो पीछे की तरफ भी 5 इंच तक मार्क किया है, आगे की तरफ भी 5 इंच तक मार्क किया है, तो ये पूरा 10 इंच हो गया। अब ये जो इलास्टिक है ये मैंने लिया है 6 इंच का। इसे भी सेंटर में फोल्ड करके मार्क करेंगे और ये जो सेंटर मार्क है इसे बराबर से सिलाई के ऊपर रखेंगे, फिटिंग की सिलाई के ऊपर, और दोनों तरफ हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। तो देखिए ये बराबर से यहां पर मैंने रख दिया और यहां से हम सिलाई को सेंटर से शुरू करेंगे ताकि दोनों तरफ सेम इलास्टिक हमारा लग जाए। और इस इलास्टिक को खींचना है उस मार्क तक जो हमने 5 इंच पर लगाया था और सेम यहां से भी हम इसको खींचते हुए लगाएंगे। और इस और भी हमें उसी तरह से लगाना है, खींचना है उस मार्क तक और इसे लगाना है। इससे क्या होगा, कमर में हमने जो वेस्ट का नाप नहीं लिया था, कमर का नाप नहीं डाला था, वो यहां पर इलास्टिक की वजह से बिल्कुल हो जाएगा बराबर। दोनों तरफ मैंने इलास्टिक लगा दिए हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए इसका लुक कितना स्टाइलिश लग रहा है। तो यहां पर आप ऊपर से सिलाई लगाकर नीचे की तरफ खुला छोड़ सकते हो या फिर डायरेक्ट इसके ऊपर आप बटन्स भी लगा सकते हो जैसे मैंने लगाए हैं। तो इस टॉप को जरूर ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।